अस्सलाम वालेकुम जी आ लीडर्स और टीम मेंबर्स और यूट्यूब कम्युनिटी, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं गेम चेंजर टीम फोर्सेस चैनल। ठीक है, तो जिस तरह की आप लोगों को पता ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हवाले से। ठीक है, मतलब ये लोगों से काफ़ी सारे जो है ना वो एक्सक्यूज़ जिसे आप लोग कह सकते हैं, आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इस आज के सेशन में, इस आज के वीडियो में, आज के वेबिनार में आप लोगों को बताऊंगा। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन कॉल पर हिट कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फोर्सेज के अबाउट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ और भी डाउट्स हैं आप लोगों के, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। ठीक है, वहाँ से आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड अच्छे तरीके से करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी टीम में भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो बाकी दूसरे के सेशन में वाइंड अप शुरू करते हैं। तो सेशन में आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोगों को हर चीज़ें जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट कोई भी हो सकती है। देखिए, आप लोगों को पता है कि रिजेक्शंस और ये बहस वगैरह ये हर बिज़नेस में होती रहती है। ठीक है, किसी ना किसी सवाल पर, किसी ना किसी जवाब पर, किसी ना किसी छोटे से नुक्ते की वजह से जो है ना वो इशू क्रिएट होते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कि मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं जो कि आप लोगों को दो तरीके के सवाल करते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनका मतलब कि रियल एक्सक्यूज होता है, मतलब कि रियली ऑब्जेक्शन होता है, वाकई उनका कोई मसला होता है तो जिसको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, और दूसरा वो लोग होते हैं जिन्होंने करना तो काम नहीं होता लेकिन ये कि वो बहानेबाजी से मतलब कि और तरीके से सवाल पूछते हैं, मतलब कि उसका कोई रीज़न नहीं बनता, वो क्वेश्चन मतलब करने वाला नहीं है, बस अपने पास से ताकि वो जो है ना हमें आजमा रहे होते हैं कि यार इस बंदे को कहीं ना कहीं से पकड़े, कोई ऐसा पॉइंट कर दे या कोई इसको ऐसा सवाल पूछते ताकि इसको पता ना, नीचा दिखाना। ठीक है, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये कि आप लोगों को मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि जो रियल आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, जो वाकई मतलब मार्केट में करने वाले हैं या जो वाकई सवाल करने वाले हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहले ये कि आप लोगों ने काफ़ी सारे सुना होगा कि जब हम किसी को वेबिनार के लिए इनवाइट करते हैं, वैसे तो बेसिकली हमारा क्या है कि हम तो लोगों को इनवाइट करते हैं और उसके बाद सेशन में बिठा देते हैं। ठीक है, हम खुद जो है ना वो गाइड नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन नए भी आते हैं, उनको जो है ना वो डीलिंग का तरीका और उनका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता ताकि वो आगे वाले पर्सन को गाइड कर सके या उनको कन्वेंस वगैरह कर सके। ठीक है, तो इस तरीके हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उसको वेबिनार के लिए, सेशन के लिए इनवाइट करते हैं ताकि वो बंदा सेशन को अटेंड करे और उसमें सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएं, बाकी सेशन लेने के बाद जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं उसको जो है ना वो बाद में क्लियर कर दी जाएँ। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेशन लोग लेते हैं, सेशन मीटिंग के बाद वो लोग रिप्लाई नहीं करते हमें। ठीक है, तो सेशन के बाद क्या करते हैं कि लोग रिप्लाई नहीं करते, वो उसकी क्या वजह होती है? देखिए, हर बंदा, लोगों के भी काफ़ी सारे मतलब लोग भी सही हैं अपनी जगह पर, वो ठीक है, क्योंकि लोगों के साथ स्कैम बहुत सारे लोग कर चुके हैं। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो चुकी है, उनका टाइम ज़ाया हो चुका है, मतलब बहुत कुछ उनका ज़ाया हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, सिर्फ उनको सिर्फ एक तरीके से जो सही ट्रैक है उस पर लेकर आना हमने। ठीक है, उनके जो दिल के डाउट्स हैं ना उनको हमने क्लियर करने हैं। ठीक है, तो अब ये कि जब वो सेशन को अटेंड करता है तो उसके ना कुछ डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो जिनको हमने जो है ना वो क्लियर करना होता है। ठीक है, तो तब जाके वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये कि जब वो सेशन अटेंड करता है उनके कुछ सवाल होते हैं, कुछ लोगों के ये सवाल करते हैं कि सर ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है, सर ये तो टीम बनाने वाला काम है, सर ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल आता है, सर जो है ना आप कितने पैसे कमाते हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपने कितना कमा लिया। ठीक है, इस तरीके के लोग जो है ना वो सवाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है कि लोग, काफ़ी सारे लोगों ने आप लोगों ने बताया भी होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब हम जॉब करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं, हम कुछ भी करने वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इस काम को करने के लिए। ठीक है, मतलब कि जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है ना, लेकिन देखिए काफ़ी सारे लोग हैं उनके पास वाकई टाइम नहीं होता, जिस तरह के एक हाउसवाइफ के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के रीज़नेबल भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन कुछ वैसे ही आ रहे होते हैं। अब दूसरे जो फेक होते हैं ना, जो लोग मतलब ऐसे ही उन्होंने अपने पास से क्वेश्चन होते हैं जो कि करने वाले नहीं होते, वो कौन से है ज़रा वो सुन लें, उसके बाद इनके आंसर भी बताता हूँ और एक आप लोगों को फार्मूला भी बताता हूँ, आउट क्लास फार्मूला है,
आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है ना उसमें क्लियर हो जाए, आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सुने, अब ये फेक जो ऑब्जेक्शन है वो क्या है, तो वो कहता है कि ऐसी बहुत सी कंपनी आई हैं, मतलब कि ऐसी बहुत सी कंपनी आई हैं मार्केट में, आई हैं, गई हैं, आ गई हैं, फिर गई चली हैं, उन्हीं उन्हीं कंपनी में वही बंदे हैं लेकिन अपना नाम चेंज करके और तरीके से आ गए हैं, और कंपनी के नेम से आ गए हैं, ठीक है। तो लोगों को बड़े कहते हैं कि यार ये भी दूसरी कंपनी की तरह निकलेगी, ठीक है। बस ये कि सिर्फ उन्होंने ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ ये कि आप लोगों को वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका और बस बहानेबाजी कर रही हैं, ठीक है। ये सवाल करने वाला नहीं है कि बाकी दूसरी कंपनियों की तरह ये है, ना ये कंपनी है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल क्या रहता है, वो कहता है कि अगर मेरे से टीम ना बनी तो, अगर मेरी टीम के बगैर अर्निंग हुई तो, ठीक है, या मेरी टीम बन के टूट गई तो मुझे टीम के बगैर कुछ अर्निंग होगी या नहीं होगी, तो इस तरह के ये सवाल करने वाले नहीं है। अब देखिए ना, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट होगा कि उसने आज सेकेंड ईयर में एग्जाम सॉरी एडमिशन लिया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हुआ है। अब ये कि उसको ये नहीं कन्फर्म कि वो फेल होगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होगा या सिंपल पास होगा या ई ग्रेड सी ग्रेड प्लस क्या लेगा, वो उसको नहीं पता। लेकिन ये उसको ये पता है, उसको ये बिलीव है, इस पर यकीन रखता है कि मैं यार मेहनत करूँगा तो इंशाल्लाह मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल अल्लाह ताला दे देगा। अगर वो टॉपर है, अगर उतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, तो उसको टॉप भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अब ये है कि वो बंदा इस तरीके से सवाल पूछता है कि यार टीम ना बनी तो मेरी अर्निंग ना हुई, तो ये सवाल करने वाले नहीं यार, उससे आने दो बंदा। देखो सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, ज्वाइन करो, आप समझो सिस्टम को, उसके बाद ज्वाइन करो, उसके बाद लर्निंग करो, सारा कुछ करो, उसके बाद अल्लाह सब खैर करेगा। देखिए जिस तरह की आपकी नीयत होगी, अल्लाह ताला भी फल उसी को उसी तरह का देता है, आप लोगों ने ये सुना भी होगा। तो इसलिए नीयत हमेशा अच्छी रखें, पॉजिटिव वे से चलें अपने काम में, अपने बिजनेस में पॉजिटिव वे से चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करता है और आपको कामयाबी मिलती है। टीम वहाँ से बनती है जो कि आपकी सोच भी नहीं होती, गुमान नहीं होता, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाता है, ठीक हो गया। चले अगला सवाल लेते हैं, सोच के बताऊंगा, ठीक है, सोच के बताऊंगा। क्या होता है कि सेशन लेता है, कि हम उसे कहते हैं कि सर आपको कैसा लगा सेशन, आपको क्या लगा, कौन सा क्या चीज़ अच्छी लगी, सर आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं, सर कोई सवाल तो नहीं है। वो कहेगा आगे से सोच के बताऊंगा, ठीक है, मतलब सोच के मैं बताऊंगा फिर ज्वाइन करूंगा, पैसे नहीं है कुछ इस तरह के, मतलब ऑब्जेक्शन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, ये आम है, ये कॉमन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों का, अब मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। इसका बेसिकली जो फार्मूला है वो ये है, तो आप लोग गौर से सुने इसको, बहुत ही कमाल का है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी देता है, तो सुने आप लोगों, वो फार्मूले का नाम है, आप लोग कॉपी पेंसिल कर ले जल्दी से, जल्दी से आगे चीज़ें बहुत लिखने वाली हैं, आप लोग जल्दी से इसको जो है ना नोट कर लें, ठीक है, जल्दी से। चलिए तो लिखें, बाद में आप सेशन भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप लोग बाद में भी लिख लीजिएगा, लेकिन ये कि मस्त लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। फॉर्मूले का नाम है फील फेल्ट और फाउंड, ठीक है, फील फेल्ट और फाउंड इसका नाम है फार्मूले का, ठीक है। फील का मतलब ये होता है कि जी आप ठीक कह रहे हैं, अब जी आप ठीक कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग हमें कहते हैं कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सर ये टीम बनाने वाला काम नहीं है, तो आपने सिंपल उसको क्या आंसर देना है। देखिए दो से तीन चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से, कभी आने वाले मेंबर से कभी भी मत करना। पहली बात है, अगर वो सवाल कर रहा है ना, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसका आंसर कभी आप लोगों ने नहीं देना, ये आप लोग गौर से सुन लें। आप लोगों ने कभी भी उसका आंसर देने की कोशिश नहीं करनी, आप लोगों ने क्या करना है कि उसी के सवाल में से एक सवाल उसको उठा दें, उसी सवाल में से उसको एक सवाल खड़ा कर दे, ताकि उसका माइंड उधर जाए ना, और वो उसी उसकी जवाब तलाश करने में उसकी जो है ना वो उधर निकल जाए काम, तो फिर जो है ना वो उस तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने किसी के ऑब्जेक्शन का कभी भी आंसर नहीं देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप लोगों ने उससे कभी बहस नहीं करनी, अपने वाले आने वाले मेंबर से कभी बहस नहीं करनी, क्योंकि देखिए बहस हो जाती है, वो बंदा क्या कह रहा है कि ये तो फेक है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो ऐसे है, हम कहते हैं भाई कहाँ से है, किस तरीके से है, मुझे बताओ, ठीक है। वो आगे से कुछ ऐसे लफाज बोल देता, आप उसको गाली निकालना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना, वो आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक हो गया। तो ये चंद चीज़ें हैं, इन आप लोगों का, इन लोगों का जो है ना इस चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का प्रोस्पेक्ट कभी भी आपसे जो है ना वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आपने क्या कहना है, इसका आंसर मैं आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले कहना जी सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कि सबसे पहले जब भी सर मैंने जब सेशन अटेंड किया था ना, जब मैं आया था, तो ये कि जब मैंने इसको देखा तो मुझे भी लगा कि ये तो मेंबर ज्वाइन करने वाला है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो टीम बनाने वाला काम है, मतलब ये जब
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा, मैं फार्मूले की तरफ आ रहा हूँ, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फील फेल्ट फाउंड, फील का मतलब है कि जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मतलब कि जी सर आप ठीक कह रहे हैं कि जब मैं भी आया था ना तो मैंने भी यही कहा था कि ये तो टीम बनाने वाला काम है, ये तो मेंबर्स बनाने वाला काम है। ठीक है, अब आगे फेल्ट की तरफ आए। ठीक है, फेल्ट की मतलब ये कि मैंने जब ट्रेनिंग ली, मैंने जब सेशन अटेंड किए, जब मैंने लर्निंग की, मतलब ये कि जी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जब मैं अभी आया था मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग लगी, लेकिन जब मैंने इसकी सेशंस लिए, मैंने इसकी लर्निंग की, जब मैंने इसकी डीपली जांचा, और उसके बाद अब आता है फाउंड का। बारी फाउंड का मतलब ये होता है कि मतलब हो गया, सक्सेस हो गया, मतलब कि हो चुका है। मतलब ये कि देखिए, सबसे पहले आया कि मैंने इसको सोचा कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसकी लर्निंग की तो मुझे पता लगा कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। क्या चीज़ है आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जब मैंने इसकी लर्निंग की तो मुझे पता लगा कि ये तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको किया तो मैं सक्सेस हो गया, मैं कामयाब हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना इस फील फेल्ट और फाउंड के फार्मूले को आप लोगों ने लेकर चलना है। एक एग्जाम्पल और आप लोगों को बताता हूँ, जिस तरह कि आप लोग ये ले सकते हैं कि एक मेंबर ज्वाइनिंग मीटिंग लेकर आता है और कहता है कि सर मेरे पापा नहीं मान रहे, ठीक है। आप लोगों ने कहा जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब सब सर जब मैंने भी ज्वाइन करना था ना तो मेरे भी पापा नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो सर जब मैंने ज्वाइन करना था तो मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे, तो इसी तरह अब देखो वही बात आ गई ना, जी ठीक सर। जी मैम आप देखिए ना, बेसिकली क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये देखिए फील का मतलब भी कि महसूस, महसूस इसका तो दूसरी तरीके से, दूसरे तरीके से होना है, लेकिन ये फील का मतलब भी होता है कि उसको हर जवाब में ऑब्जेक्शन उसका किसी किसी के भी हवाले से हो, जिस तरह के टीम बनाने के हवाले से, ठीक है। उसके बाद है कि आपने जो है ना वो आप मैं अपने वाले साहब से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, मैं यह सोच के बताऊंगा। अब ये कि जब वो कोई भी क्वेश्चन करता है ना, आप लोगों ने उसे ये आंसर देना कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब मैंने ज्वाइन करना था तो ये भी मेरे साथ भी ये ऑब्जेक्शन आए थे, मैंने भी चीज़ें जो है ना वो ऑब्जर्व की थी, मैंने भी कहा था कि सर ये तो टीम बनाने वाला काम है, या तो मैं सोच के बताऊंगा, या तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वाले साहब से पूछ के बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सिंपल फील का मतलब होता है कि उसी के मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग बोलना, मतलब कि जिस तरीके से वो सवाल कर रहा है ना बिल्कुल उसकी हाँ में हाँ कर दे, ये चीज़ है, ठीक है। उसकी हाँ में हाँ कर दे, जी सर बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन देन उसके बाद फेल्ट आ गया, ठीक है। फेल्ट का मतलब है कि सर देखिए मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, लेकिन ये कि उसका लगातार सेशन देखिए ना, जब किसी मेंबर को हम पेंडिंग में पड़ जाते हैं उसको ब्रॉडकास्ट में डाल देते हैं, उसको लर्निंग सेशन देते हैं, उसको फोर्सेज के अबाउट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो जाहिर बात है उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। वो बंदा आपकी जो डिटेल सेंड की हुई है वो देखता है तो उसकी लर्निंग होती है। लेकिन वो उसने कहा कि जब मैंने ये देखा तो जब मैंने ये लर्निंग की तो मुझे पता लगा ये रियलाइज हुआ ये ऐसा काम नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो फाउंड वाला हुआ है तो ये कि जब मैंने ये चीज़ की तो जब मुझे ये चीज़ समझ आई और जब मैंने इसको सीखा तो तब मैं कामयाब होगा और मेरी टीम बननी शुरू होगी और मेरी अर्निंग और मेरी इनकम जो है ना वो भी शुरू होगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको जो है ना वो कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने आंसर अब क्या देने हैं, आंसर्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला बात है, अगर आप लोगों से कोई भी ये ऑब्जेक्शन करता है कि सर ये तो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये टीम बनाने वाला काम नहीं है, तो आप लोगों ने कहना कि सर ये हरगिज़ ऐसा काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या कि हम काम जो करते हैं वो सीखने सिखाने वाला काम है, ठीक है। मतलब किस तरीके से सीखने सिखाने वाला काम है, मतलब कि हम बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं तो लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करके उनको उनका बिज़नेस ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सर मैं अगर बताऊं तो जब मैंने किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ये कि जब मैंने इसको किया तो मैं सक्सेस हुआ, मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया, मुझे सेशंस अटेंड किए, मुझे लर्निंग दी। तो जब मैंने वो लर्निंग की, मैं जब सीख गया, तो उसके बाद मेरी जब इनकम हुई तो मुझे रियलाइज़ होया कि ये तो मेंबर्स बनाने वाला काम नहीं है, तो लीडर्स बनाने वाला काम है, ये कामयाब करने वाला काम है, लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्रोवाइड करने वाला ये काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों इसको आंसर कह सकते हैं। अगर वो कहता है कि ये तो बंदे चुनने वाला काम है, उससे कहें सर देखिए अगर एक टिकटॉकर है ना, एक टिकटॉकर है, उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी जो टीम है, वो उसके फॉलोवर्स है, अगर उसके फॉलोवर्स उसकी वीडियोज ना देखें, उसको फॉलो ना करें या उसकी वीडियो को शेयर ना करें ना, तो वो बंदा भी बेकार है, टिकटॉक वाला भी, ठीक है। अगर सब्सक्राइब यूट्यूबर है तो उसकी जो टीम है वो सब्सक्राइबर है, अगर उसके सब्सक्राइब ना बढ़ें या उसके सब्सक्राइब उसको लाइक शेयर या कमेंट ना करें या उसकी जो उसकी वीडियोज़ को देखें ना, तो वो बंदा भी बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये कि आप लोगों को जब उसको टीम के हवाले से गाइड करेंगे तो वो बहुत उसका जो पॉइंट ऑफ जो है ना व्यू है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि उसका ये आंसर है कि सर आपने कितना पैसा कमाया। अब ये देखिए
हमारी जो अर्निंग है हमारी हो रही है, लेकिन हम लोग बता देते हैं कि हमारी डेली कितनी होती है या मंथली इतनी इनकम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स नए हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो रही, तो वो क्या कहेंगे? वो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सर अभी हम नए हैं, ठीक है, अभी हमें रिसेंटली 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 2-3 दिन पहले हमने ज्वाइन किया है, अभी हमारी इनकम स्टार्ट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे या जब हमारी टीम इंशाल्लाह काम चलना शुरू हो जाएगा तो हमारी इनकम भी हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि सर मेरा सीनियर जो है ना, वो मेरा लीडर जो अपलाइन है ना, वो इतनी अर्निंग कर रहा है, तो सर इंशाल्लाह मैंने भी रिसेंटली अभी ज्वाइन किया तो जल्दी मेरी इनकम भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि सर मेरी अभी जो है ना वो इंशाल्लाह 10,000 की इनकम होने वाली है, हो नहीं गई है, होने वाली। तो वो ये कहेगा कि यार इसको होने वाली इनकम है तो चलो मैं इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि इसकी इनकम होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका जो है ना ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल ये कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपने उससे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है, आपने ये पूछना है कि सर आप अपना टाइम जो है वो ज़्यादातर कहाँ स्पेंड करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। वो बताएगा कि सर मैं स्कूल से आता हूँ, यूनिवर्सिटी से आता हूँ, उसके बाद अकेडमी चला जाता हूँ या इंस्टीट्यूट चला जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ। तो वो आपको बताएगा, या कोई जॉब वाला तो जॉब में गएगा, कोई कुछ भी करने वाला तो वो बता देगा कि यार मैं यहाँ पर अपना टाइम जो है ना वो ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, ठीक है। तो जब आपने उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप अपना टाइम कहाँ ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो जब वो आपको बताएगा तो आपने ये कहना कि सर आप जो है ना वो अपने फ्री टाइम में क्या चीज़ करते हैं, मतलब अपने फ्री टाइम में क्या आप करते हैं, ठीक है। तो जब बताएगा कि सर फ्री टाइम में अपना सोशल मीडिया चलाता हूँ, फ्री टाइम में या कुछ और न्यूज़ देख लेता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सर आप लोगों ने ये पूछ लेना कि उससे, जब आपको ये क्लियर होगा कि सर इतनी देर तक आप फ्री होते हैं, ठीक है, तो ये कि सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब यही फार्मूले की बात आ गई, आप लोग ये फिर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सर जब मैंने इसको ज्वाइन किया था ना, तो मैंने भी कहा था कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं मैम माजरत, प्लान आज लैपटॉप पर है तो प्लान आज नहीं समझा सकता, ठीक है। तो जिस दिन मोबाइल पर इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो आप लोग ले लीजिएगा मेरी, ठीक है। तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब दूसरी बात ये कि तो जब आप लोगों ने ये बताना उसको, उसके बाद कि देखिए सर जब मैंने भी ज्वाइन करना था ना, जारी बात है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है। स्टूडेंट के बाद मैंने एकेडमी जाना होता था, ठीक है। तो अकेडमी के बाद जो है ना मैंने इंस्टीट्यूट भी जाना होता था, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा भी करता था। तो सर मैंने भी सोचा कि मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, लेकिन सर जब मैंने इसको ज्वाइन किया और जब मैंने इसको सीखा और समझा, जब इसकी लर्निंग की, तो जब मुझे पता लगा कि ये तो 2-3 घंटे में आप अच्छी इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने किया तो उसके बाद जब मेरी टीम बनी और मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, तो सर मैं कामयाब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला काम कर गया है कि जब मैंने इसको जो है ना, मैंने भी इसी तरह बिल्कुल आपकी तरह कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन जब मैंने इसको सीखा किया और जब मुझे सीखते सिखाते मैं यहाँ से अच्छी इनकम कर गया, और 2 से 3 घंटे सर मैं इसको टाइम देता हूँ, तो मैं बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना उसका ऑब्जेक्शन जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग इसको सिंपली कह सकते हैं कि सर मुझे ये बता दें कि सर घर में जो आप पानी पी रहे हैं क्या वो फ्री का पी रहे हैं। वो कहेगा, सोचेगा, कुछ कह सकते हैं कि सर जी फ्री का पी रहा हूँ, पानी तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ। उसे कहेगा सर मोटर चलती है, पंप चलता है, बिजली बिल आता है, तो फिर जाके पे करते हैं, इसका मतलब पानी भी आप नहीं फ्री पी रहे, ठीक है। तो सर मुझे बता दें कि कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा बिजनेस है, या कोई भी ऐसा काम है जो कि फ्री में होता हो, जो कि आप अभी कि यहाँ पर आप लोगों को कहेगा सर कोई ऐसा काम तो कोई भी नहीं, तो सर ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क कैसे हो सकता है फ्री में, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इस तरीके से करें, सर आप मेरी पेमेंट कर दें, जब सैलरी आएगी या जब काम स्टार्ट हो गया मैं तब आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर उसको ये कहेंगे सर देखिए, जब आप लोगों ने नई क्लास में होना है, जिस तरह के आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में हो गए हैं, तो सर जब आप बुक डिपो के पास बुक्स लेने जाते हैं, क्या उसको ये कहते हैं कि सर मुझे बुक्स दे दें, जब मैं पास हो जाऊंगा मुझे पता लग जाएगा कि मैं पास हो गया हूँ या मैं कामयाब हो गया हूँ, तो जब मैं पढ़ लूँगा उसके बाद आके वापस कर दूंगा और साथ में आपको पैसे भी दे जाऊँगा, ठीक है। या आपने यूनिफॉर्म लेनी है नए कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, आपने नया एडमिशन लिया, यूनिफॉर्म नहीं खरीदने गई, क्या आप उसको ये कहते हैं कि सर मुझे यूनिफॉर्म दे दें, तो जब मैं अपनी क्लास नए स्कूल में या नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा तो सर मैं आपको धो के वापस कर जाऊँगा, क्या ऐसा होता है? क्या कोई भी ऐसा काम है जो कि आप ये कहें कि सर आप इस तरीके से करें, मुझे अभी दे दें तो जब मैं इस्तेमाल कर लूँगा उसके बाद आपको जो है ना वो चीज़ वापस कर दूँगा, तो सर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सिर्फ पॉइंट को समझने की बात कोशिश करें तो सर ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। देखिए जो बंदा अपनी ज़ात के लिए नहीं लगा सकता, सर वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता है? देखिए सर
इनकम आपको होनी है, अर्निंग आपको होनी है, अकाउंट आपका बनना है, तो सर हम इन्वेस्ट क्यों करें? हमें तो किसी ने नहीं कहा था कि इन्वेस्ट करें सर, हमने तो पकड़ पकड़ा के, हमने भी लोन लेके ज्वाइन किया था, ठीक है? तो सर आप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग क्लियर करेंगे तो बंदा अगर समझदार हुआ तो ज़रूर आपको जो है ना वो अच्छा पॉजिटिव वे से रिप्लाई करेगा, तो ये नहीं तो फिर जो है ना वो आपसे बेकार में कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ लेगा तो जिसकी वजह से इशू हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ चंद जो है ना मेन जो है ना ऑब्जेक्शंस थी, ये आती हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और ऑब्जेक्शन आती है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि माइक आप कोई भी पर्सन जो है ना वो अनम्यूट कर सकता है, अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, तो बाकी अगर किसी किसी तरह का भी कोई ऑब्जेक्शन आता है कि सर ये सवाल मुझसे पूछते हैं तो बता दें मुझे। जी कोई भी माइक अनम्यूट कर सकता है। सर आप थोड़ा सा प्लान गाइड कर दें प्लीज़, थोड़ा सा ही, क्योंकि आज मेरी एक टीम की न्यू मेंबर आई है, उसने पहली मीटिंग ली आज, तो आज थोड़ा सा प्लान गाइड कर दें। प्लान मैम चलो ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है, नहीं तो मुझे चैट बॉक्स में बता दे ताकि मैं इसको सेशन को वाइंड अप करूँ, उसके बाद आप लोगों को प्लान के बारे में बता दूँ, ठीक है? जी क्लियर है सबका? चलिए ठीक है, मैं सर मैं सेशन को वाइंड अप करते हैं। क्लियर है सबका? अच्छे से समझ आ गई होगी, बाकी अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के सेशन, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, ठीक है? और उसके बाद चैनल पर पहली दफ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लें ताकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।